नमस्कार गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 बहुत 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 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है चंद्रमा के ऊपर। आज और अभी अभी सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है। इस सॉफ्ट लैंडिंग से भारत ने अंतरिक्ष के अंदर नहीं चंद्रमा के ऊपर तिरंगा पहरा दिया है और उन चुनिंदा देशों में से एक देश बन गया है भारत, जो कि चांद के ऊपर अपने यान को सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रूस का यान जो कि लूनी 25 क्रैश हो गया था, तो हमारे चंद्रयान 3 ने उसका भी अच्छा सा एक वीडियो भेजा है और अच्छे सी उसके फुटेज भेज रहा है कि वो किस प्रकार से चांद के ऊपर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 से पहले इंडिया चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेज चुका है, लेकिन हमें चंद्रयान 1 और 2 से काफ़ी सफलताएं मिली थी, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले ही यहाँ से कनेक्टिविटी हट चुकी थी। लेकिन अब की बार जो चंद्रयान 3 था वो सॉफ्ट लैंडिंग करने से भारत दुनिया के अंदर उन चुनिंदा देशों के अंदर शुमार हो चुका है जो कि हमारे इस गगन में और इस चांद के ऊपर हमारे इस तिरंगे को लहराने में कामयाब हुआ। यह कामयाबी इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा और इसरो के प्रत्येक उस वर्कर और मेंबर के द्वारा हासिल हुई है जो ईमानदारी से अपना वर्क कर रहे थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। दुनिया की नज़र भारत के उस चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी। चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया था कि भारत तो खिलौनों से खेल रहा है और भारत के खिलौने यूं ही बिखर रहे हैं, लेकिन अब की बार पाकिस्तान की बोलती हमने बंद कर दी है। अब की बार पाकिस्तान की जुबान बंद हो गई है क्योंकि हमने चंद्रयान 3 को बहुत सॉफ्ट तरीके से लैंड करा दिया है चंद्रमा के ऊपर। इस कामयाबी से भारत उन चुनिंदा देशों में से एक हो गया है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 हमें बहुत कुछ सफलताएं अर्जित करवाएगा। चंद्रमा के ऊपर पानी की उपलब्धता यह हमें अच्छे से बताएगा। चंद्रमा के ऊपर जीवन जीने की कितनी संभावना है इसके बारे में भी अच्छे से बताएगा। चंद्रमा की भूप्रपटी कैसी बनी हुई है उसके बारे में भी बताएगा। चंद्रमा की सतह कैसी बनी हुई है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करवाएगा जिससे कि भारत आने वाले समय में चंद्रमा के ऊपर किस प्रकार से अपने विजय पता का पहरा पाएगा। इन सब चीज़ों की शुरुआत आज हो चुकी है। इसके लिए हम इसरो के चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपसे हम विनती करते हैं, अपील कर रहे हैं कि आप भी हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चंद्रयान 3 और आने वाले सभी मिशनों को इस स्टूडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ से रूबरू हो सके। दोस्तों हमारा ये छोटा सा वीडियो हमारे इस भारत देश के सभी लोगों के पास पहुंच करके और भारत देश की गरिमा को बढ़ाएगा।